भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे को ध्यान में रखते हुए पंचकुला नगर निगम शहर के सभी 20 वार्डों में समान विकास करा रहा है। विपक्षी पार्टियों के पार्षदों के वार्डों में भी करोड़ों रुपए के काम कराए गए हैं। इसके बावजूद वह अपनी ओछी राजनीति करते हुए बेवजह गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं। पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। चंद दिनों पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से आयोजित जनता दरबार में कांग्रेस पार्षद उषा रानी के पति व कांग्रेस नेता डॉक्टर राम प्रसाद के कॉलोनियों में विकास कार्य ना कराए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि साल 2008 और 2013 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही पूरे प्रदेश भर में सरकारी जमीन कब्जा कर बनी कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने को लेकर रोक लगाई गई थी। इन आदेशों के तहत कॉलोनियों में सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पार्क, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम आदि के काम नहीं कराए जा सकते। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बावजूद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला की राजीव इंदिरा कॉलोनी में गलियां पक्की कराने के लिए अपने फंड से पैसा दिया और पंचकुला नगर निगम भी यहां पार्क डेवलप करने और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने पर लाखों रुपए खर्च कर चुका है। महापौर ने कहा कि भाजपा इन कॉलोनियों का पुनर्वास करते हुए इनमें रहने वाले लोगों को प्लॉट या फ्लैट देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से कभी भी किसी वार्ड के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद के वार्ड में पहले वाले सेक्टर 23 में 150 करोड़ रुपए की लागत से निफ्ट सेक्टर 25 में पॉलिटेक्निक सेक्टर 26 में गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल बनाया गया है और सेक्टर 24 में ट्राई सिटी का सबसे बड़ा मल्टीफीचर पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 23, 24, 25 में नगर निगम की ओर से कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं जिनमें बैडमिंटन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इन तीनों सेक्टरों में बैडमिंटन खेलने के लिए हर वक्त बुकिंग भी फुल रहती है। बुकिंग मतलब जो चाहे 23 का है, चाहे 26 का है, चाहे 28 का है, सभी इसके साथ साथ अभी परसों ही हमने दो दिन पहले 28 के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और बन का आया, वो भी हमने उन्हीं लोगों के एरिया के अंदर बनाया। सेक्टर 27 के अंदर ओल्ड एज होम की बिल्डिंग हमारी बनके तैयार है। उसके साथ साथ पहले हमने वर्किंग वुमेन हॉस्टल की पिछले साल इनॉग्रेशन की थी, वो भी सेक्टर 27 के अंदर ही है। वो भी सेंट्रल सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्हीं के एरिया के अंदर वहाँ पर बनाया गया। एक इनकी और बहुत बड़ी डिमांड थी उस एरिया की, जब भी हम बात करते हैं जो सेक्टर 25 के लोग थे वो कहते थे कि कूड़े से हमें किसी तरीके से निजात दिलाओ। ये हमारी सरकार थी जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि यूरी वाला डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करके अब पटवी डेली का डेली सारा कूड़ा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी दूसरे जिले के अंदर किसी जिले का कूड़ा जा रहा है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि झुरीवाला के ये डंपिंग ग्राउंड था, इसको शिफ्ट करके हमने और पटवी में हमारा सारा कूड़ा जाता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे स्मेल नाम की कोई चीज़ नहीं। जो दोनों वहाँ पे लिगेसी वेस्ट के ढेर हैं, चाहे वो सेक्टर 23 का है चाहे झुरीवाला का है, दोनों के टेंडर अलॉट हो चुके हैं। बरसात ख़त्म होते ही दोनों पे काम शुरू हो जाएगा। ये सभी जो दोनों वो भी प्रोजेक्ट है 28 करोड़ के करीब के हैं जो भी लिगेसी वेस्ट के मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम नए बात करें अभी 25-26 को जोड़ने के लिए जो फ्लाई ओवर ब्रिज जो घग्गर के ऊपर पुल का और नया निर्माण किया गया 60 करोड़ की लागत से HSBP के, नंदना चौक के ऊपर पुल लगाया गया। सर जो अगर कहीं भी काम किए, अब सेक्टर 20 की बात करते हैं, पहले आपको कॉलोनियों की बात की फिर इनके 25-26 वार्ड की बात की, जो हमारे 17-18 सेक्टर के वार्ड थे, 17 और वार्ड 18 नंबर थे पहले 6 और 7 की बात। अब अगर 20 की बात करें, अगर सबसे ज़्यादा काम कहीं हुआ तो वो 20 नंबर वार्ड के अंदर किया गया। अमरूद के वहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स थे, सबसे पहले गांव के अंदर और शहर में क्या फ़र्क था, अभी सीवर उनके पास नहीं होता था, पानी उनके पास नहीं होता। सीवर का टेंडर 48 करोड़ का अलॉट किया गया, पानी का 33 करोड़ का। दोनों अमरूद की प्रोजेक्ट्स थे, दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। 12 गांव के अंदर सीवर और 8 STP सभी
गांव के अंदर हमारी सरकार के द्वारा पूरे करवाए। पूरी स्टेट के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमरूद के काम पूरे हुए, बाकी जगह पे अभी भी काफी जगह पे काम अभी चल रहे हैं, पर हमारा बाई चांस पंचकूला जिला ऐसा है जिसमें अमरूद के काम भी हमने पूरे करा के गाँव को सीवर के सभी ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, सभी की हमने कंसेंट टू ऑपरेट मिल चुकी है पोल्यूशन बोर्ड से। इसके साथ साथ जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट थी स्केतड़ी के अंदर रामगढ़ के, मतलब ट्यूबवेल की जहाँ जहाँ जरूरत थी वो भी सभी पूरी की। गांव के अंदर अब अकेले अकेले अगर हम कार बहुत से काम हमने कारपोरेशन की तरफ से भी कराए बहुत से, इसी तरह से गांव के अंदर भी कम्युनिटी सेंटर की बात करें खटौली में, कनौली में, जलौली में, डबकौरी में, सब जगह कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं। कनौली में तो व्यायामशाला भी बन गई है। मतलब इतने प्रोजेक्ट्स आने के बावजूद भी अगर ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे से गलत तरीके से हमारे वार्डों में काम नहीं कराते, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। जो भी उन लोगों के द्वारा हमारे गलत शब्द यूज किए गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ों को अगर गलत बोलेगा तो कोई ना कोई उसका आगे रिएक्शन आता है। जनता दरबार के अंदर भी उस दिन उन लोगों ने जानबूझकर हंगामा किया, जिसकी वजह से, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि रोजाना हमारी मीटिंग्स होती हैं, पिछले 20 दिन के अंदर जितनी कॉरपोरेशन की कमेटियां बनी हुई हैं सबकी मीटिंग हुई है और सबके अंदर कांग्रेस के पार्षद पूरे के पूरे हाजिर थे। उसके बाद भी जाके जनता दरबार में कहना कि हमें नहीं बुलाया जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, ये बिल्कुल सोच से परे है। 6 कमेटियों की मीटिंग हुई, सभी कमेटियों में हाजिर थे पूरे के पूरे जितने लोग उस कमेटियों के मेंबर थे, जिस कमेटी के, सभी कमेटियों की मीटिंग हो चुकी है, चाहे वो सैनिटेशन कमेटी है, चाहे इलेक्ट्रिकल कमेटी थी, हॉर्टिकल्चर कमेटी थी, रेवेन्यू की कमेटी थी, सभी कमेटियों के अंदर उनके पूरे प्रतिनिधि हाजिर थे और जो भी उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखना था वो कमेटियों के अंदर रिकॉर्ड होता रखा होता और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होते हैं, सबकी कॉपी उनको जाती है और सारे हमारा ग्रुप बना हुआ है कॉर्पोरेशन का, उसके अंदर भी मिनट्स डले हुए हैं। ये कोई ये चीज नहीं है भी कोई भी चीज उनको नहीं पता होती ये सरकार क्या काम कर रही है और क्या आगे होने जा रहा है। अगर अलग अलग वार्ड की बात करें, 6 और 7 नंबर वार्ड की अगर बात करते थे, 6 नंबर वार्ड ज्यादातर जो एरिया है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आता है, फिर भी जहाँ पे उनके बाहर आरसीसी की वाल हमारे एचएसबीपी ने काफी एरिया में उनकी बना दी थी नाले के साथ साथ, और उसके साथ हमने वहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन के लिए उनका इंटरलॉकिंग टाइल का काम 15 लाख रुपए का 6 नंबर वार्ड में भी किया। इसके साथ साथ 7 नंबर वार्ड में तो जिसकी उन्होंने सबसे ज़्यादा 8 नंबर वार्ड में काम नहीं होता, उसमें 2 एरिया आता है, इंदिरा कॉलोनी, दीप कॉलोनी और गुडनपुर गाँव आता है, उसके अंदर 2,14,00,000 रुपये के काम हमारे द्वारा कराए गए। उनके अंदर एक पार्क है कॉर्नर के अंदर, इतना सुंदर पार्क वहां पे डेवलप किया गया है और उल्टा उसको पार्क को उन्होंने ताला लगा के अभी रखा हुआ है कि जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाते लोग उनको तोड़ ना दें, जबकि क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे दूसरे सेक्टरों पे उल्टा आ रहा है, लोग जो वहां पे जाते हैं पार्क में वो हमारे 17 सेक्टर 16 सेक्टर में पहुंच जाते हैं। हमने उस पार्क अकेले के ऊपर 37 लाख का पहले टेंडर लगाया था, उसके बाद दोबारा फिर क्योंकि काम कम रह गया था 24 लाख का फिर लगाया गया, 63 लाख रुपया हमारी टेन्योर के अंदर एक पार्क के ऊपर उनके खर्च किया गया जो रीव और इंदिरा कॉलोनी के बाहर का पार्क। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।